बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जबरिया जोड़ी के प्रमोशन में काफी बिजी हैं। इसके अलावा उनके पास बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल की बायोपिक भी है, जिसके लिए परी बैडमिंटन कोर्ट में खूब पसीना बहा रही हैं। वहीं हाल ही में परिणीति सिद्धार्थ के साथ अपनी फिल्म जबरिया जोड़ी के प्रमोशन में पहुंची थी। फिल्म प्रमोशन के दौरान परिणीति ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात की। वैसे आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा का नाम इस समय चरित देसाई के साथ जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर आजकल खूब चर्चाएं चल रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने इस पर कहा है कि मैंने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया है, हालांकि मैंने इन बातों से इनकार भी नहीं किया है। मेरी फैमिली, फ्रेंड्स और हर कोई सच जानता है, ऐसे में बाकी चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। परिणीति ने कहा है कि मुझे लगता है कि मीडिया उम्मीद रखता है कि मैं अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई अनाउंसमेंट करूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, इसलिए ना मैं किसी चीज़ के लिए हाँ बोलूंगी और ना ही मना करूंगी। इतना ही नहीं, प्रियंका चोपड़ा की शादी के समय प्री वेडिंग डिनर से सामने आई एक तस्वीर के बाद से ही परिणीति और चरित की शादी की खबरें उड़ने लगी थी, जिसमें चरित देसाई को परिणीति के ठीक पीछे देखा गया था। हालांकि उस वक्त परिणीति ने इन सभी खबरों को बिल्कुल आधारहीन और झूठा कहा था। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं शादी करूंगी, मैं पूरी खुशी से इसकी अनाउंसमेंट करूंगी। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा के रूमर्ड बॉयफ्रेंड चरित देसाई भी फिल्म इंडस्ट्री से ही हैं। चरित देसाई साल 2012 में आई ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। इसके अलावा चरित करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और परी अपने प्यार का इजहार आखिर कब करती हैं।